बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको एजुकेटिव्स पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, पोलियो वर्कर जॉब 2020 पूरे पंजाब के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो ऐलान कर दिया गया है, जहां पर जो है मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त जो है जॉब्स अनाउंसमेंट की गई है पंजाब हुकूमत की तरफ से, जहाँ पर वो ये खिदमत करके लोगों के बच्चों को जो है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद होने से बचा सकते हैं। तो ये बड़े ज़बरदस्त जॉब्स हैं, पूरे जो है पंजाब के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह और भी काफ़ी तादाद में जो है वो हम एजुकेटिव जो है आपके लिए जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं, जिसके लिए जो है आप एजुकेटिव के साथ अपडेट रहें, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलते रहें। दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हुए यहाँ पर आपने सिंपल टाइप करना है एजुकेटिव जॉब। जैसे ही आप एजुकेटिव जॉब्स टाइप करेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे, तो जो पहला लिंक आपके सामने नज़र आएगा एजुकेटिव एजुकेशन लर्निंग पॉइंट के नाम से, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह का जो है वो एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर सिर्फ कीवर्ड्स की बेस के ऊपर भी इंफॉर्मेशन सर्च की जा सकती है। अगर आप यहाँ पर जॉब देखना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद जॉब्स है, पंजाब है, सिंध है, KPK, बलोचिस्तान, AJK, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है काफ़ी तादाद में और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जॉब्स वगैरह। तो हम बात करें यहाँ पर पोलियो वर्कर्स की, तो मैं यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड्स की बेस के ऊपर भी सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं इसको जो है वो यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करके मैंने यहाँ पर लिखा पोलियो वर्कर्स जॉब्स। ठीक है, पोलियो वर्कर्स जॉब्स मैंने ये लिखा, पोलियो वर्कर जॉब सर्च के ऊपर क्लिक किया, तो पोलियो वर्कर्स जॉब्स के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोलियो वर्कर जॉब 2020 इन पंजाब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी रावलपिंडी फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो कम्प्लीट वीडियो जो है वो कम्प्लीट डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉब लोकेशन है रावलपिंडी, उसके बाद न्यूज़पेपर है एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, पब्लिश डेट इसकी है 22 मार्च 2020, लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 6 अप्रैल 2020। ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जॉब्स हैं, DHA की जॉब्स हैं, एजुकेशन मिडल मैट्रिक, जस्ट मिडल मैट्रिक वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी प्योर सरकारी जॉब्स हैं, मेडिकल की जॉब्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोलियो वर्कर्स हैं। टोटल 618 सीट जो है वो अनाउंसमेंट की गई है। अब दोस्तों, ये है एक कम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट, देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है वो 16 मार्च 2020 जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी रावलपिंडी को जो है वो खालिस्तान आरजी डेली वेजेस की बुनियाद पर 89 दिन के लिए जो है हंगामी तौर पर पोलियो वर्कर्स की सामियों के लिए जो है वो स्टाफ रिक्वायर्ड है। अब पोलियो वर्कर हैं मर्द और ख़वातीन, पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। तादाद इनकी है 618, मिडिल पास, लिखना पढ़ना जानता हो, मैट्रिक पास और पोलियो मुहिम में काम करने वाले को तरजीह दी जाएगी। अगर आप मिडिल पास हैं तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक पास हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योमिया तनख्वाह फाइनेंस डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करता डेली वेजेस जो है उसके मुताबिक होगा, आपको जो है वो हर दिन के जो है वो आपको पैसे मिलेंगे उसके। और ड्यूटी का जो दुरानिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा 99 दिन, मतलब क्या है कि 3 महीने का ये ड्यूरेशन होगा। उसके बाद पहला दिन जो है भर्ती ऑर्डर में दर्ज तारीख से तसव्वुर किया जाएगा। अगर आपने जो है वो आपकी हो गई है तो आपको पहले दिन से ही आपको जो है वो उसकी पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। इब्तदाई तौर पर जो है डेली वेजेस हैं उनकी मियाद जो है 99 दिन है या 30 जून 2020। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा और भी लेट हो जाएगा कोरोना वायरस की वजह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसके लिए जो है आपकी ये डेट एक्सटेंड भी हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपने जो है वो ड्यूटी का दुरानिया जो है वो अच्छा है, आपकी कारकर्दगी अच्छी जा रही है, तो आपका दुरानिया भी बढ़ाया जा सकता है। अब उसके बाद भर्ती का जो अमल इश्तिहार हज़ा की इशात के अगले दिन से ही शुरू होगा। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट जो है इंटरव्यू के लिए आपको कोई भी जो है वो कॉल लेटर नहीं दिया जाएगा। अब उम्मीदवार का जो है वो डोमिसाइल पंजाब को होना चाहिए। पूरे पंजाब से जो हमारे कैंडिडेट्स जो है मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस किन को दी जाएगी, जैसे कि ये पिंडी में है तो पिंडी वाले लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। अब उसके बाद जो है वो नादरा वाला जो है उनके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई करने का तरीका जो है यहाँ पर मौजूद है कि अहले उम्मीदवार इश्तिहार की जो है इशात के फौरी बाद सादा कागज़ लेना है, उन्होंने सादा कागज़ पर दरख्वास्त लिखनी है। उसके बाद उसके साथ जो है दरख्वास्त के साथ अपना ID कार्ड, अपने जो है वो अपनी एजुकेशन की डिग्रियाँ, आपका डोमिसाइल अगर कोई सर्टिफिकेट है वो, और तमाम जो है वो तस्दीकशुदा और 2 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ। और उसके बाद इन सब को आपने लिफाफे में डालना है। लिफाफे में डालकर जो है वो आपने जो है वो सेंड कर देना है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इस पते के ऊपर आपने सेंड कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जो है जब आपने आपका जो है वो इंटरव्यू कब होगा, सोमवार हफ्ता 9 ता दोपहर 1 बजे के दरमियान तशरीफ लाएँ। ठीक है, ये सारे ये दिन हैं, सोमवार हफ्ता ये सारे दिन हैं, इन दिनों में जो है वो 9 से लेकर दोपहर 1 बजे तक जा सकते हैं। लेकिन अभी आजकल जो है वो लॉकडाउन हुआ है, तो आप जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो आप इन दिनों में जाएं और अपना जो है वो इंटरव्यू देकर आएँ। और जो पहले से डेंगी सेंट्रल जो है पेट्रोल में मुलाजमीन है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते।
दोस्तों ये थी आज की हमारी एक कंप्लीट वीडियो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ पिंडी में बड़ी तादाद में पोलियो वर्कर्स की जो है वो जॉब अनाउंसमेंट की गई है। ये कंप्लीट अप्लाई करने का मेथड भी हमने आपके साथ शेयर किया। इस तरह और भी काफ़ी तादाद में जो है वो नौकरियों की जो है वो डिटेल या नौकरियों की जो है अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, तो आप एजुकेटिव के साथ अपडेट रहें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एक ब्रीफ वीडियो कि पोलियो वर्कर जॉब में जो सीट्स आई हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है और कब तक अप्लाई करना है। दोस्तों मिलते हैं एक नए के साथ, अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।